नेटफ्लिक्स ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अपनी वेब सीरीज हसमुख रिलीज कर दी है। 17 अप्रैल यानी शुक्रवार को रिलीज हुई इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसके जरिए लंबे समय के बाद वीर दास ने वापसी भी की है। हालांकि वे नेटफ्लिक्स के स्टैंड अप कॉमेडी शो में नजर आते रहे हैं, उनके साथ इस सीरीज में एक्टर रणवीर शौरी भी शामिल है। 10 एपिसोड की वेब सीरीज को निखिल गौन सर्विस ने निर्देशित किया है। आइए जानते हैं इसकी क्या है कहानी। वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होती है। यहाँ हसमुख नाम का कॉमेडियन है जो अपने गुरु गुलाटी के गुलाम जैसा है, ना तो घर में इज्जत है ना ही स्टेज पर। इसके बाद एक दिन उत्तेजना में आकर वे अपने गुरु गुलाटी की हत्या कर देता है। फिर वे पहली बार स्टेज पे आता है और लोगों को हंसाना शुरू करता है। इस कड़ी में उसकी मुलाकात गुलाटी के मैनेजर जिम्मी द मेकर से होती है। वो उसके लिए शोज की व्यवस्था करता है, लेकिन हसमुख की एक समस्या है कि बिना हत्या किए वे कॉमेडी नहीं कर सकता। इसका जुगाड़ जिम्मी करता है। एक दिन उसका वीडियो वायरल होता है और वो मुंबई के एक टीवी शो में पहुंच जाता है। वहां उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। एक तरफ शो है, दूसरी तरफ हत्याएं। क्या हसमुख संभाल पाता है, ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज को देखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's trendy.